नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार का चुनाव संपन्न हो गया। नतीजे आप सभी ने देखे कि कौन कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत कर आई। बात हम आरजेडी के संदर्भ में करें तो आरजेडी के हिस्से में इस बार 6 सीटें आई, यानी कि स्थानीय प्राधिकार के चुनाव में आरजेडी को 6 सीटें उनके नाम पर मिली है, उनके हाथ लगी है। लेकिन अब राबड़ी देवी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री विधान परिषद में नेता विपक्ष बनने की हकदार हो गई है। वो कैसे हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट में इस बात का जिक्र किया है और उन्होंने लेटर भी सौंपा है विधान परिषद के कार्यकारी सभापति को। पहले आपको बताते हैं कि सुनील सिंह ने क्या कुछ लिखा है और कौन सा लेटर सौंपा गया है। आप अपनी स्क्रीन पर आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह का पोस्ट देख पा रहे होंगे जिसे उन्होंने साझा किया है, तस्वीर भी शेयर की है लेटर सौंपते हुए अवधेश नारायण सिंह को। उन्होंने लिखा है कि बिहार विधान परिषद में राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष के रूप में बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री सह एमएलसी आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी को मान्यता देने हेतु दल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जगदानंद सिंह द्वारा हस्ताक्षरित पत्र विधान परिषद के लोकप्रिय न्यायप्रिय सौम्य स्वभाव के धनी मृदुभाषी कार्यकारी सभापति माननीय अवधेश नारायण सिंह जी को आवश्यक कार्यार्थ हेतु सौंपा। इन्होंने ये जो लेटर है वो बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह को सौंप दिया है। इस लेटर में जगदानंद सिंह के हस्ताक्षर हैं, यानी कि आरजेडी की तरफ से ये कह दिया गया है कि नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ही रहने वाली है और अब राबड़ी देवी जो है वो हकदार भी हो गई है बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनने की। वो कैसे आपको हम समझाते हैं, क्योंकि विधान परिषद के भीतर नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए संख्या बल जो है वो 10% का होना चाहिए। कुल मिलाकर 75 सदस्य होते हैं बिहार विधान परिषद के, और इस बार की बात करें तो पूर्व में आरजेडी के पास 5 सदस्य थे और इस बार स्थानीय प्राधिकार का जब चुनाव हो गया तो 6 और सदस्य जुट गए, यानी कि कुल मिलाकर 11 सीट आरजेडी के पास हो गई है। और अगर आप 75% का 10% निकालेंगे तो ये 7.5 होता है, यानी कि आप संख्या बल से देखें तो 8। यहां पर आरजेडी के पास कुल मिलाकर 11 सदस्य हो गए हैं, तो राबड़ी देवी जो है वो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है और आरजेडी में उनका कद कितना बड़ा है ये बताने की जरूरत नहीं है। और अब वो नियमानुसार हकदार भी हो गई है बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए। तो अब जो औपचारिक चीजें हैं वो बाकी रह गई है। सुनील सिंह जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं, उनकी तरफ से लेटर सौंप दिया गया है जिसमें आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के हस्ताक्षर हैं। वो लेटर विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह को सौंप दिया गया है। और अब जाकर जो औपचारिकता है वो बच गई है, क्योंकि राबड़ी देवी पूरी तरह से हकदार है, उनके पास संख्या बल है बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए। देखना होगा कि कब तक ये जो प्रक्रिया है पूरी हो जाती है, क्योंकि 2-3 दिन का समय लग सकता है औपचारिकता होने में। तो देखना होगा कब तक नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर राबड़ी देवी की सारी औपचारिकता पूरी की जाती है विधान परिषद में। आप हमारे साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।